हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डू यूज ऑफ कैन. सो लेट्स गेट स्टार्ट दिस. यूज ऑफ कैन, कैन किस लिए यूज किया जाता है स्टूडेंट्स? कैन इज यूज टू एक्सप्रेस एबिलिटी, कैपेसिटी, पॉसिबिलिटी एंड इनफॉर्मल रिक्वेस्ट. मीन्स कैन को हम किसी की एबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए, उसकी कैपेसिटी को, या किसी भी काम के होने की या ना होने की पॉसिबिलिटी को, और इनफॉर्मल रिक्वेस्ट को एक्सप्रेस करने के लिए हम यूज करते हैं. एग्जाम्पल देखिए, जैसे आप बोलते हो ना कई बार कि आपसे क्वेश्चन पुट किया जाता है कि ये क्वेश्चन कौन सुनाएगा या ये सम जो है वो कौन सॉल्व करेगा. तो आप बोलते हो कि आई कैन सॉल्व दिस सम, या आई कैन गो, ठीक है, कि मैं जा सकता हूँ, या कुछ भी. अगर आप अपनी एबिलिटी के बारे में या सामने वाले की एबिलिटी के बारे में भी अगर आप बात करते हो तो आप कैन का यूज कर सकते हैं. ठीक है, एग्जाम्पल देखेंगे हम जरा. आई कैन सॉल्व दिस सम, ये एग्जाम्पल आ गया. आई कैन सॉल्व दिस सम मीन्स कि इसमें आप उस सम को सोल्व कर सकते हैं जिसके बारे में आप बात कर रहे हो. ठीक है, तो ये आपकी एबिलिटी है, आप कर सकते हो उस चीज को, आपकी कैपेसिटी भी है ये. नेक्स्ट देखिए, पॉसिबिलिटी का एक एग्जांपल देखिए. एनीथिंग कैन हैपन टू हर ऑन द वे मींस कि रास्ते में उसके साथ कुछ भी हो सकता है. अब सकना, किसी काम का सकना, हो सकना, या किसी चीज का हो सकना, या एबिलिटी का हो सकना, या आप काम कर सकते हो. ठीक है, अगर प्रेजेंट के अंदर आती है तो हम उसको यूज करते हैं कैन की फॉर्म में. अगर पास्ट में एबिलिटी को शो करते हैं तो हम यूज करते हैं कुड. ठीक है, एनीथिंग कैन हैपन टू हर ऑन द वे, या हम एग्जांपल ले सकते हैं एनीवन कैन मेक मिस्टेक्स. ठीक है, कि कोई भी गलती कर सकता है, या डेथ कैन कम एनी टाइम, कि मौत कभी भी आ सकती है. तो ये पॉसिबिलिटीज होती है. नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल इज इफ यू सी हिम कैन यू टेल हिम टू कम. इफ यू सी हिम, सी का मतलब ये नहीं कि देखना, मीन्स मिलना. ठीक है, कि अगर आप उससे मिलते हो तो क्या आप उसे कैन यू टेल हिम टू कम, कि क्या तुम उसे यहाँ आने के लिए कह सकते हो. तो यहाँ पर हम इनफॉर्मली रिक्वेस्ट कर रहे हैं किसी से. ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यूज टू ग्रांट और सिक परमिशन. ठीक है, परमिशन लेने के लिए भी हम यूज करते हैं कैन का, और परमिशन जो है देने के लिए, ग्रांट करने के लिए भी हम यूज करते हैं कैन का. एग्जाम्पल देखिए, यू कैन गो नाउ. यहाँ पर हम जो है परमिशन ग्रांट कर रहे हैं कि आप जा सकते हो. अगर हम इसी को सिक परमिशन की फॉर्म में देखेंगे तो हम ये बोल सकते हैं कैन आई गो होम. ठीक है, कैन आई मूव नाउ. ठीक है, कैन आई टेक दिस पेन, कैन आई यूज योर नोटबुक्स. तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हम हमेशा यूज करते हैं, और यहाँ पर जब हम परमिशन को लेते हैं, परमिशन किसी चीज की परमिशन लेते हैं या किसी को परमिट कर रहे हैं, ठीक है, तो वहां पर भी हम कैन का यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट लास्ट रूल इज टू एक्सप्रेस पोलाइट ऑफर्स ऑफ हेल्प. अगर आप किसी को हेल्प कर रहे हो, ठीक है, हेल्प ऑफर कर रहे हो मीन्स, ठीक है, तो पोलाइटली अगर आपको उसे एक्सप्रेस करना है तो आप कैन का यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, कैन आई हेल्प यू विद दोज बैग्स. ठीक है, मीन्स क्या है कि कोई है पर्सन, वो बैग नहीं उठा पा रहा है, या कैरी करने में थोड़ी उसको प्रॉब्लम हो सकती है, या उठाने में या लेकर के जाने में किसी भी तरीके से, तो क्या आप जो है उनके बैग्स की उनके साथ मतलब हेल्प कर सकते हो. तो यहाँ पर अगर आपको किसी को हेल्प ऑफर करनी है तो भी आप कैन का यूज कर सकते हो. स्टूडेंट्स, आज मैं आपको एक PDF सेंड करूंगी जिसके अंदर एक असाइनमेंट मिलेगा आपको. ठीक है, उसके अंदर आप शैल, वुड, शुड, कैन, जितने मॉडल्स हो चुके हैं उनमें से भी सुटेबल मॉडल्स आपने फिल करने हैं. ठीक है, और उनके आंसर्स जो है वो चेकिंग के लिए फिल कल आएंगे मेरे पास. और अभी एक PDF के अंदर आपको इसकी पिक भी मिलेगी रूल्स की, आपने ये रूल्स भी अपनी नोटबुक में राइट करना. ओके स्टूडेंट्स.